Assalamu alaikum dear students and friends, this is Kudratullah with you people with the new topic of chapter homeostasis, and today we will talk about the kidney failure, dialysis and kidney transplant or kidney transplantation, right? So firstly we have to know about that what is kidney failure. Actually kidney failure is resembles with the ultrafiltration or reabsorption. So whenever the kidney fail, the failure of the ultrafiltration in a glomerulus of the nephron, right? This is called as kidney failure. के हमारे पास अगर nephron अपना function loss कर ले, means ultrafiltration ना कर ले या reabsorption ना कर ले, तो उसको हम नाम देते हैं renal failure का या kidney failure का, ठीक है? So kidney failure is divided in two parts. The first one is called as the acute renal failure and the second one is called as the chronic renal failure. Acute renal failure, as in a previous lecture I told you about the two terms acute and chronic, that in medical terminology this acute word is used for the short term infection while this chronic is used for the prolonged infection jo ke end stage ho, theek hai? So acute infection is actually a suddenly unable of the filtration, right? Ke निफ्रान जो है, किडनी जो है, वो अचानक अपना फंक्शन लॉस कर ले, फिल्ट्रेशन प्रॉपरली ना कर सके या रीअब्सॉर्प्शन ना कर सके, तो उसको हम नाम देते हैं एक्यूट रेनल डिसऑर्डर, राइट? तो उसको हम एक्यूट रेनल डिसऑर्डर कहते हैं या फेलियर कहते हैं. तो इसके मेजर काजेज जो है, अच्छा, और ये एक्यूट रेनल डिसऑर्डर जो है ये इजिली फिर क्यूरेबल है, ये आसानी के साथ दोबारा रिकवर हो सकती है. और काजेज इसमें से क्या आ सकते हैं? ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, अगर थ्रम्बस हो, ब्लड क्लॉट हो, उससे भी हो सकते हैं. ओवर कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो, ब्लॉकेज ऑफ यूरिन, यूरिन ब्लॉक हो जाए, टॉक्सिन्स, ठीक है, और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी ड्रग्स, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट इज द एंटीबॉडीज एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. सो दीज आर द कॉमन काजेज ऑफ द एक्यूट रेनल फेलियर, राइट? एंड नाउ वी विल फोकस ऑन द क्रॉनिक रेनल फेलियर. क्रॉनिक रेनल फेलियर इज एक्चुअली द ग्रेजुअल लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन, इज कॉल्ड इज द क्रॉनिक रेनल फेलियर. और क्रॉनिक रेनल फेलियर, एज आई मेंशन यू बिफोर दिस, दैट दिस इज द लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर. अगर आप कंटिन्यू, आपको एक्यूट रेनल फेलियर है, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, सो दैट मे लीड्स टू क्रॉनिक रेनल फेलियर, राइट? सो इसी तरह द क्रॉनिक रेनल फेलियर इज आल्सो कॉल्ड एज यूरेमिया, ओके, आर आल्सो कॉल्ड एज ESRD, एंड स्टेज रेनल डिसऑर्डर. ESRD मींस एस एंड स्टेज रेनल डिसऑर्डर, एंड इट्स काजेज आर द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, हाइपरटेंशन, एनर्जेसिक ड्रग्स, इग्नोरेंस ऑफ द एक्यूट रेनल फेलियर एंड सो ऑन, ठीक है? सो दीज आर द मेजर कॉमन काजेज ऑफ द क्रॉनिक रेनल फेलियर. सो लुक हियर नाउ, वी विल टॉक अबाउट द डायलिसिस. The word dialysis is actually derived from Greek word dia and lysis. Dia means separation and lysis. आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, वहां पर इसका मतलब था breakdown. लेकिन यहां पर जो हम specify कर रहे हैं, that is nitrogenous wastes. So dialysis is actually the separation or the removal of the nitrogenous waste from the body. Right, the removal of nitrogenous wastes from the body is called as dialysis, and dialysis is divided, it contains the two major parts, peritoneal dialysis and hemodialysis. Peritoneal dialysis is actually that type of dialysis in which the two catheters are inserted into a abdominal wall. Our abdominal wall ही में हमारे पास जो fluid होती है, इसको हम कहते हैं diastate. वो diastate fluid हमारे abdominal wall ही में present होती है. लेकिन diastate के जो molecules होते हैं वो larger होते हैं, वो penetrate नहीं हो सकती. तो वो क्या करते हैं, वो catch up करते हैं किस चीज को, जो extra, जो जब भी circulation होती है तो circulation से molecule को catch करते हैं, और उस condition से फिर क्या करते हैं, जो वहां पर जितना भी, मतलब हमारे पास अमोनियम आयन होगा, ठीक है, या यूरिया होगा या यूरिक एसिड होगा, उसको वो कैच करते हैं, ठीक है? तो दूसरा कैथेटर होता है, दूसरे कैथेटर के थ्रू वो कंपोनेंट्स बॉडी से बाहर आते हैं.
लेकिन इसका फायदा यह है पेरिटोनियल डायलिसिस का कि बंदा कि इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसके लिए लेटने की जरूरत नहीं है। एवरीवेयर आप अगर मूवमेंट भी कर रहे हैं तब भी आपके बॉडी से यह प्रोसेस शुरू हुआ होता है। ठीक है, टू कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसमें डायस्टेट होता है, एक में ऑलमोस्ट डायस्टेट इज अबाउट 2 लीटर और दूसरे में एक फ्री पैकेज एम्प्टी बैग होता है, उसमें कंटिन्यूसली जो आपके बॉडी से यूरिन कंसंट्रेशन है या यूरिया है या फिर अमोनियम आयन है वो डिपॉजिट होती जा रही है बाहर की तरफ, ठीक है, मीन्स वो एलिमिनेट हो रही है। सो दिस इज यूज फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड, कि वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल डायलिसिस, ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। लेकिन इसका एक नुकसान है, नुकसान ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत कम मिकदार में यूरिया और अमोनियम वगैरह आयन को सेपरेट कर सकता है। सो द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस इसके लिए एक मशीन यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज डायलाइजर। ये हॉस्पिटल में करना होगा, इसके लिए लाइट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसमें से 2 कैथेटर आपके आर्म के साथ इंजेक्ट किए जाते हैं, एक एक जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो ब्लड वेसल के साथ, ब्लड वेसल के आर्टरी के साथ अटैच किया जाता है। तो उससे ब्लड क्या वो डायलाइजर में जाती है, ठीक है। डायलाइजर क्या करता है, ये एक्चुअली हमें पता है कि आर्टरीज का ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो उसका ये फायदा है, यहां पर इस डायलिसिस का फायदा यह है कि हो सकता है कि इस प्रेशर के साथ, प्रेशर से के साथ ब्लड बाहर से निकल रही है, तो हो सकता है कि वो ब्लड, मतलब वो डायलिसिस से बंदा हमेशा के लिए मतलब छुटकारा पाए, मीन्स उसकी किडनीज की रिकवरी हो सकती है। लेकिन इसका ये नुकसान भी है कि कंटिन्यूसली मुसल, मतलब ये कि अचानक सडनली उसके बॉडी से ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना वो एलिमिनेट हो गई towards the dialyzer, तो उससे डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यार, कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैथेटर है जो कि ब्लड कैरी करता है towards the, जो कि ब्लड कैरी करता है towards the dialyzer, वो क्या है, that blood move from the arteries, लेकिन जो ब्लड साफ होती है उस साफ होने के बाद ब्लड कहाँ पर आती है, वो venous में आती है, वेन में आती है। यहां तक क्लियर हो गया, हमारे पास टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल हो गए, ए वन इज द आर्टरी एंड द सेकंड इज द वेन, राइट। तो ब्लड मूवमेंट जो है टुवर्ड द डायलाइजर, दिस इज फ्रॉम द आर्टरी एंड द ब्लड मूवमेंट फ्रॉम द डायलाइजर टू द बॉडी, दैट इज ड्यू टू द वेन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर इंटरेस्ट, राइट, ओके। तो इन केस ऑफ हेमोडायलिसिस इससे क्या होता है कि हमारे पास ये प्रोसेस मुसलसल तकरीबन 3 घंटों तक होता है और इसके लिए लाइट का होना एक्सट्रीमली जरूरी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके बॉडी का जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड है वो साफ होती है फ्रॉम द अमोनियम आयन एंड अदर कंपोनेंट्स, राइट। तो यहां पर हमारे पास ये, लेकिन इसके भी हेमोडायलिसिस के भी कुछ बहुत से नुकसान हो सकते हैं। किस तरह, ये एक मशीन होता है, तो लेट सपोज इससे पहले किसी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस थी या कोई और कंटीजियस डिसऑर्डर थी, तो वो डिसऑर्डर आप में भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो एज कंपेयर टू दैट कंडीशन द पेरिटोनियल डायलिसिस इज बेटर, व्हाई, क्योंकि इसमें बीमारियों के लगने के चांसेस नहीं होते। क्लियर हो गया। तो लवर अगर हम इसकी बात कर ले कि मतलब फिल्ट्रेशन की बात कर ले, तो फिल्ट्रेशन के केस में ये हेमोडायलिसिस बेहतर होगा, लेकिन इसके नुकसान और पीर क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकती है, एड्स हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस एंड सो ऑन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, वो डिसऑर्डर जो कि ब्लड बॉर्न डिजीज हो, मतलब जो कि ब्लड से ट्रांसमिट हो सकती है, तो वो डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। क्लियर हो गया। देन द लास्ट पॉइंट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांट। इन बायोटेक्नोलॉजी वी विल टॉक अ टॉपिक अ पॉइंट दैट इज नेम्ड एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो मीन्स आर्गन, सो दिस इज द आर्गन ट्रांसप्लांट। सो इन आर्गन द किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसकी वजह से हम किडनी की जो ट्रांसप्लांट है दिस इज वेरी मच कॉमन एज कंपेयर टू द अदर कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह है कि आप डिफेक्टिव किडनी के बजाय, इसमें से 2 इंडिविजुअल काम करते हैं, एक होता है रिसेप्टर और एक होता है डोनर। रिसेप्टर इज एक्चुअली द पेशेंट और उसका जो किडनी है वो काम नहीं कर रहा है,
और डोनर क्या है, वो उसको डोनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि किटी आर टू इन नंबर, सो आप एक को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये सवाब का काम है। तो किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ शराइत है, वो शराइत क्या है? द बोथ द इंडिविजुअल डोनर एंड रिसेप्टर मस्ट कंटेन द सेम ब्लड ग्रुप, राइट। ऐसा नहीं कि एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और एक का ए नेगेटिव है, या एक का बी पॉजिटिव है दूसरे का ए है, सो इस तरह नहीं हो सकता। बोथ ऑफ देम मस्ट कंटेन द सेम ब्लड ग्रुप, राइट। द सेकंड वन, एवरी इंडिविजुअल कंटेन सिक्स एचएलएस। एचएलएस मींस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। HLA means human leukocyte antigen, which is a type of a WBCs, right? हर इंडिविजुअल के 6 HLAs होते हैं, and in these HLAs at least 3 must have to be similar. इन 6 में से 3 का similar होना जरूरी है। अगर किसी के 2 HLAs similar हैं, वो donate नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके body के लिए ये जो kidney होगी, that will be considered as a antigen consider होगी। तब क्या होगा? तब हमारे बॉडी के जो IgG एंटीबॉडीज हैं या IgA एंटीबॉडी है, वो आके उस किडनी को किल करेगी। समझ आ रही है? ये हो गया। और इसके साथ साथ उसका क्रॉस मैचिंग होना जरूरी है, उसका क्रॉस मैचिंग करना होगा। क्रॉस मैचिंग के बगैर आप डोनेशन नहीं कर सकते, सही है। इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, राइट। अम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, उसको अम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने होंगे। किस तरह, इसका मतलब क्या है अम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का? अम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का मतलब यह है कि इसके HLAs एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ब्लड ग्रुप सिमिलर है, क्रॉस मैचिंग हुई है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये किडनी क्या हो जाए, इट इज कंसिडर एज अ एंटीजन। तो उसके लिए आपने अम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने होंगे, और अम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज नेम एज साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स देते हैं उसको, ताकि उसके बॉडी से IgG एंटीबॉडी जो है वो एलिमिनेट ना हो जाए, वो सीक्रेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर IgG एंटीबॉडी सीक्रेट होगी तो क्या होगा, वो दूसरी किडनी को किल कर सकता है। क्लियर हो गया? अभी यहां पर ये लेट्स सपोज आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर ली, लेकिन फिर भी इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उन कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग है, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल या सर्जिकल ब्लीडिंग, मतलब सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, लुक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एंट्री टेस्ट फेस, कि आप जो मतलब ये कि जो डिजीज्ड किडनी है, जो फेल्ड किडनी है, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको आप एलिमिनेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है, और जब भी आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो आपका हार्मोनल मैकेनिज्म जो है वो इम्बेलेंस होगा, ठीक है। तो ये जो न्यू किडनी है, जो डोनेटेड किडनी है, ये उस किडनी के नीचे आप लगाओगे, और इससे फिर आप बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो होम्योस्टेसिस है, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज विल बी रिमेन सेम। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा थर्मोरेगुलेशन।